व्हाट्सअप व्हाट्सअप भाई बहनों बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? जोखी की एपिक एल्बम खानाबदोश का 10th ट्रैक आ गया है। गाने का नाम है राब्ता। इस गाने में उनके साथ है तारा अंजुम और हाशिम नवाज। क्या बात है, मतलब अभी तक तो ये जो भी एल्बम गई है भैया, इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल एल्बम गई है। क्या गाने हैं। राब्ता का मतलब हमें पता लग गया कि इसका मतलब होता है रिश्ता। वो हमारा बॉलीवुड ये वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है। चलो ठीक है, गाना साथ में सुनते हैं, देखते हैं इस गाने में क्या है। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा तुम भी पुश करो, थोड़ा हम भी पुश करें, अपने चैनल की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार उसको जाके भी देखो, वीडियोस अच्छा लगे उसको भी सब्स मारना है। इंस्टाग्राम का तुम्हें दिख रहा आईडी का नाम है @FakeYouKnow, ठीक है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हाँ, बहुत ही सीरियस म्यूजिक के आज शुरू हो रहा है। ओके, घड़ी का साउंड दिया है, ठीक है। घड़ी का साउंड जो होता है ना, वो पूरा टाइम का फील लाता है। टाइम, पिंक फ्लॉयड अगर सुना है तो बढ़िया बात है ना। तो बेसिकली एक नॉस्टैल्जिक वाइब। ये तू लिखे दर्द तो मैं आगे बेहिसाब लिखूं, तू लिखे शाम मैं गम के लिए और शराब लिखूं। पहली लाइन के तू लिखे दर्द मैं आगे बेहिसाब लिखूं, मैं आगे बेहिसाब लिखूं। क्या बात है, बेहिसाब दर्द, मतलब समझ रहे हो, ये सिचुएशन आ गई अब। तू लिखे शाम मैं गम गिले और शराब लिखूं। वाह, शाम क्या में क्या होता है, गम गिले और शराब लिखूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दर्द बेहिसाब है, शाम को गम गिले और शराब है। तू गुजरा जमाना लगे मैं तुझ पे किताब लिखूं, रियाजी कमजोर मेरी दुनिया गड़बड़ी करती हिसाब में क्यों। रियाजी का मतलब नहीं पता हमको, सॉरी। खुली किताब भी हूं, रहता हूं खुद में एक रास्ता क्यों, उर्दू रैप को मैं लाजिम हूं, उर्दू रैप पे मैं नाजिल भी हूं, रहता हूं खुली किताब भी हूं, रहता तो खुद में एक रास्ता क्यों, ठीक है। मतलब ओपन बुक में यार जो है सबके सामने है, सब ओपन है, सबको सब कुछ पता है ना, लेकिन एक राज सा भी, एक सीक्रेट सा भी मैं क्यों हूँ, देयर इज समथिंग विच नोबडी नोज, है ना, वैसा भी हूँ। सो लाइक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन आ गई है लाइफ में। खुद में एक राज सा क्यों, उर्दू रैप को मैं लाजिम हूँ, उर्दू रैप पे मैं नाजिल हूँ, अपने ख्वाब किए पूरे, अपनों की उम्मीद नाज का कातिल हूँ, अपने ख्वाब किए मैं नाजिल हूं, अपने ख्वाब किए पूरे, अपनों की उम्मीदें नाज का कातिल हूं। उम्मीदें नाज मतलब होप फॉर द प्राइड। यार मैं इतना गंदा गैस मारता हूं, मुझे देखने में शर्म आती है। उम्मीदें नाज का मतलब बताइए। नाज का कातिल हूं, अपने ख्वाब किए पूरे, ख्वाब मंजिल है और मैं एक मुसाफिर हूं। खुदा ने दी है ये इज्जत, कसम खुदा की, मैं नहीं था इस लाइक भी। अंग्रेजी रैपर्स को सुनता था टूटी फूटी जैसी भी समझ आई थी। मैं सिर्फ करना चाहता शायरी, मेरी कला लगी लोगों को काहिली। अच्छा, पुराने समय की बात बता रहे, जो हम इंग्लिश रैपर्स को सुनते थे, ठीक है, उनको जो भी टूटा फूटा समझ आता था, हम सबके साथ वही होता था। उस जमाने में इंटरनेट पे लिरिक्स नहीं होता था, हमें इंटरनेट भी नहीं मिलता था जब ये होता था। मैं बस शायरी करना चाहता था और लोग उसको जो है मेरी काहिली का नाम देते थे। काहिली का मतलब क्या होता है भाई, आलस का नाम देते थे। माने हर जैसी भी समझ आई थी, मैं सिर्फ करना चाहता शायरी, मेरी कला लगी लोगों को काहिली। माने हर ख्वाहिश की पूरी, जरूरत में बनी बाप भी भाई भी, मैं लिखता नहीं। क्या बात है, कलम से कहीं आंसुओं से बिखर जाए ना शायरी। क्या लिख, जरूरत में बनी बाप भी भाई भी, मैं लिखता नहीं कलम से कहीं आंसुओं से बिखर जाए ना शायरी। मैं लिखता नहीं कलम से कहीं आंसुओं से, मेरी लिखते लिखते आंसू बह जाएंगे मेरे और पूरी बिखर जाएगी। इट्स लाइक चाहे वो ऐसे शब्द हो, चाहे वो इंक का बिखरना समझ लो, चाहे मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, सब मेरे दिमाग की जो शांति है, वो पीस है, वो बिखर जाएगी ना। इस बार पूरी जरूरत में बनी बाप भी भाई भी, मैं लिखता नहीं कलम से कहीं आंसुओं से बिखर जाए ना शायरी। अंदर से हम सब उदास हैं, मुस्कुराहटें हैं जाहिरी। Came from a broken family, music ही मेरा escape था, मुड़ के अब देखता हाल अजीब था, अब मैं लाखों में ये गाने बेचता, अब मैं कहता हूँ जिंदगी स्टेज सी, जो मैं ना करूँ वो नहीं mainstream, मैं बदतमीज लेकिन nanti, मैं fans के दिल में रहूँ rent free, मेरी जेबों में note भरे pen की, I only show you what you can see, मैंने जान लगा दी कि लोग मुझे जाने अब irritated करती attention, मुझे खोके पे लोग रोके फोटो के लिए, पसंद नहीं है निकलना घर से, जिम्मेदारी से कहता हूँ गुस्से की असल वजह अक्सर बनती चर से। जिम्मेदारी से कहता हूँ कि गुस्से की असल वजह बनती है चर से, ये पसंद नहीं है निकलना घर से, जिम्मेदारी से कहता हूँ गुस्से की असल वजह अक्सर बनती चर से। अच्छा, चर्स नहीं, ओके ओके हो गया। सो मेरी ड्रग्स जो है, मतलब मेरी चरस जो है,
ठीक है, वो हमेशा मेरे गुस्से की वजह नहीं बनती, मैं वैसे भी गुस्से में ही रहता हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि आई कैन ब्लेम इट कि मैं नशे में था, तो वाला सीन नहीं है, बट हॉट टाइट। हम मसलों को देखते हैं फेस वैल्यू पे, नहीं पकड़ पाते उन्हें जड़ से। मैं सुनाने हम मसलों को देखते हैं उनके फेस वैल्यू पे, नहीं पकड़ पाता उन्हें जड़ से। मतलब जो चीज हमें दिख रही होती है ना, हम उसको वैसे ही समझ लेते हैं, हम उसके डिग डीप करने की कोशिश नहीं करते। बैठा जो अपनी तो पूछोगे क्या वो दर्द, देखते हैं फेस वैल्यू पे, नहीं पकड़ पाते उन्हें जड़ से। मैं सुनाने बैठा जो अपनी तो पूछोगे क्या वो दर्द भी दर्द थे पर अभी जा नहीं। जोक है ना, दिल खाली है तेरी जरूरत है, नजरें बुला रही अभी जा नहीं। जिसके होने से दसाया कड़ी धूप में जो सच। क्या बात है, क्या बात है। जब जब कोरस शुरू हुआ ना, मुझे इतना अजीब सा लगा, मुझे लगा कि ये गाना शायद जोखे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है अपने साउंड के साथ। सो मुझे लगा कि अभी इससे पहले जो भी ट्रैक जा रहा था, पहली बात तो मुझे जॉनर नहीं पता, जो इससे पहले जब अंजुम गा रहे थे तो बीट कैसी वाली बीट थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये गाने लगे तो अकूस्टिक गिटार शुरू हुआ, तो मुझे लगा यार हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा मेलो टाइप का बनाया हो, लेकिन जैसे ही ड्रम्स और बेस गिटार साथ में शुरू हुए, बिल्कुल वो क्लासिक रॉक रॉक वाला फील आया ना। मॉडर्न रॉक, मॉडर्न रॉक, नॉट क्लासिक रॉक, मॉडर्न रॉक। अभी जा नहीं, जिसके होने से था साया कड़ी धूप में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में। रिश्ते हमारे रास्ते नहीं टूटते, अभी जा नहीं, जो सच झूठ लेता था मेरे हर झूठ में। क्या बात, जिसके होने से था साया कड़ी धूप में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में। रिश्ते हमारे हैं ये रास्ते नहीं टूटते, अभी जा नहीं। वक्त जब कहने को लफ्ज नहीं थे, अब जब लफ्ज हैं वक्त नहीं। हाशिम नवाज़ था, वक्त जब कहने को लफ्ज नहीं थे, अब जब लफ्ज हैं वक्त नहीं। Each day तेरा भाई करा इवॉल्व, बाकी ये लौंडे हैं अब भी वही। नहीं बनेगी तू मेरी फैंटेसी, बट स्टिल यू विल बी माय फैंटेसी। मी रैप इनके लिए ना कभी कर, नहीं बनेगी तू मेरी फैंटेसी है अब भी वही। नहीं बनेगी तू मेरी फैंटेसी, बट सी मी रैप। ओह मैन, ओके, अच्छा, तो मेरी नहीं बनेगी फैंटेसी, मतलब तू मेरे वो नहीं बनेगी, ठीक है। फैंटेसी जिस कॉन्टेक्स्ट में ले लो, बट यू विल बी माय फैन टू सी मी रैप, ओके, ठीक है। तुम लेकिन मेरी फैन बनी रहोगी, ओके। Still you'll be my friend to see me rap. इनके लिए ना कभी करता हूँ गाड़ी रिवर्स, फिर करूँगा मैं कैसे इन्हें बैक, लोग करते शोर, करूँगा मैं कैसे इन्हें बैक। Be my friend to see me rap. इनके लिए ना कभी करता हूँ गाड़ी रिवर्स में करता हूँ गाड़ी रिवर्स, फिर करूंगा मैं कैसे इन्हें बैक, लोग करते शोर जिनके बीच हूँ मैं, जो भी सुने मुझे उसके करीब हूँ मैं। रंगीन हूँ गरीबों की सोबत से दूर होके, समझ बैठा खुद को अमीर हूँ मैं, मेरे साथ वाले उसके करीब हूँ मैं। रंगीन हूँ गरीबों की सोबत से दूर होके, गरीबों की सोबत से दूर होके, समझ बैठा खुद, समझ बैठा खुद को अमीर हूँ मैं, समझ बैठा मैं खुद को अमीर हूँ मैं, ठीक है। मतलब अपनी गलतियों को देखो कैसे, अमीर हूँ मैं मेरे साथ वाले कमरे में, और इस कमरे में गैर मेरे साथ है, थोड़ा जागरा ज्यादा मैं सपने में, आवाम कब तक करूंगा बर्दाश्त ये। क्या बात है मेरे भाई, क्या पिक्चर है तुमने बनाई। लाइक मेरे साथ वाले कमरे में, और मैं मेरे साथ है ग्यार, लाइक मैं जिनके लिए आया था वो वाली सोहबत छोड़ के वो ग्यार कमरे में है, लाइक और इस कमरे में गैर मेरे साथ है, थोड़ा दूर होके समझ बैठा खुद को अमीर हूँ मैं, मेरे साथ वाले कमरे में, और इस कमरे में गैर मेरे साथ है, थोड़ा जागरा ज्यादा मैं सपने में, अवाम कब तक करूंगा बर्दाश्त ये। सिर्फ बांटते बोले कलम मेरे हाथ में, कभी कभी होते शेर बिना काफी है, मेहमान सारे भाई मिस हो रही है, मिस हो रही है। बर्दाश्त ये सिर्फ बांटते बोले कलम मेरे हाथ में, कभी कभी होते शेर बिना काफी है, मेहमान सारे शेर बिना काफी है। ओ हाँ, ओके ओके, हाँ काफिया होता है ना यार, अब मैं टर्म्स नहीं समझा सकता, काफिया होता है ना एंड में जो मिलता है, राइम बोलते हैं ना शायद, है ना, काफिया काफिया, हाँ राइम ही तो होती है ना यार, है ना। तो कभी कभी शेर भी बन जाते हैं बिना काफिया मिले भी, ऐसा भी होता है, हाँ हमारा एक्चुअली में ऐसा होता है। अरे अब दाश्ती सिर्फ बांटते बोले कलम मेरे हाथ में, कभी कभी होते शेर बिना काफी, काफी मतलब समझ आ गया ना, कभी कभी बिना राइम्स के भी शेर बन सकते हैं। आई होप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कंटाप ना मार दे, कमेंट कर देना प्लीज। मेहमान सारे अपने ही घरों में, इंसान सदा मोहताज अगली सांस के, इन्हें खुश करना लगे तो शेर बिना काफी है, मेहमान सारे अपने ही घरों में, इंसान सदा मोहताज, मेहमान सारे अपने ही घरों के, क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओगे राइट, यू आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर, तो तुम मेहमान ही हो तुम, अब चाहे इस लाइफ की कॉन्टेक्स्ट जिस भी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। लेकिन जो इंसान होता है, तुम्हारी जो सोल है बेसिकली, वो मेहमान है यहाँ पे, ठीक है, वो फिर चली जाएगी, उसको जा जाना होगा, तुम्हारी बॉडी जो है ये मेहमान है,
और फिर इंसान सदा मोहताज अगली सांस के, ठीक है, लेकिन हम जो इंसान होते हैं ना, हम ये जस्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रेथ या फिर नेक्स्ट रे ऑफ होप की एक सांस मिले हम आगे बढ़े। भैया गहरी राइटिंग है, ओपन टू ऑल है, जैसे वर्जी वैसे समझो राइट। हाथ में कभी कभी होते शेर बिना काफी है, मेहमान सारे अपने ही घरों में, इंसान सदा मोहताज अगली सांस के, इन्हें खुश करना लगे महज हसरत, मुख्तलिफ लोग लेते मुख्तलिफ मतलब, इन बातों का मैं वक्त कैसे निकाल के देखूं कि हैं ये नाराज या करते हैं नफरत। खैर जो भी है, टाइम ही नहीं है ब्रो मेरे पास, मैं कैसे देखूं ये नाराज है कि ये नफरत कर, टाइम ही नहीं है, बिजी हूं अपनी लाइफ में अपने आप को बनाने में यार। मुख्तलिफ मतलब, इन बातों का मैं वक्त कैसे निकाल के देखूं कि हैं ये नाराज या करते हैं नफरत। खैर जो भी है, इनका शुक्रिया, जिस जिसने भी लिखने को लफ्ज दिया, पास तख्त इनकी चोरता पर कुर्सियां, बेगस थोड़ा सा पास तख्त इनके है, इनका शुक्रिया, जिस जिसने भी लिखने को लफ्ज दिया, पास तख्त पास तख्त इनके जोड़ता पर कुर्सियां, ठीक है, लेकिन कुर्सियां जो तुम्हारे पास ताज है ब्रो, तुम्हारे पास थ्रोन है, तुम राजा हो, लेकिन तुम अभी सोच रहे नहीं ये भी मेरी जगह हो, वो भी मेरी, तुम लगे हुए इन सब दो पांच पे लगे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ब्रो। की जोड़ता पर कुर्सियां, बेगस थोड़ा खुद को, भाई भाई इनके वर्ड्स ने मेरे को जगा दिया, वो जो मैंने डेफिनेटली अंजुम का भी बहुत ही तोड़ू था, बट दिस इज समथिंग एल्स मैन। है इनका शुक्रिया, जिस जिसने भी लिखने को लफ्ज दिया, बस तख्त इनकी चोरता पर कुर्सियां, बेगर्स थोड़ा खुद को है कर दिया, मैंने घर दिया इनके दिलों में खुद को, जाती ओवर हेडलाइंस मेरी खबर तुमको, मैं एक तालिबे इल्म खोजता जवाब का, मैं एक तालिबे इल्म, मैंने घर दिया इनके दिलों में खुद को, जाती ओवर हेडलाइंस मेरी खबर तुमको, मैं एक तालिबे इल्म खोजता जवाब, या तालिबे इल्म का मतलब मैजिक होता है क्या यार, शिट सॉरी नहीं पता, तालिबे इल्म खोजता जवाब का फिलिया सीख, लेकिन कपिलिया सीख लेकिन ढूंढ पाया नहीं खुद को, पाया नहीं खुद को, खाना बदोश में दो मुझे दोष नहीं, तो मुझे जानते बस हो मेरे दोस्त नहीं, अगर मैं खलाई हो तो मुझे जानते हो बट तू मेरे आम एक्वेंटेंस है लेकिन फ्रेंड्स नहीं हो गए, तेरे मुख्तबिक, सॉरी इतनी अच्छी उर्दू आती है तो मैं कहाँ होता आज, मैं यहाँ पे होता खुद को, खाना बदोष में दो मुझे दोष नहीं, तो मुझे जानते बस हो मेरे दोस्त नहीं, अगर मैं खलाई मखलूक तेरे मुताबिक, तो मेरे आगे यूं हवा में छोड़ नहीं, तूफान तेरा भाई जब भी करे काम, इफ आई ड्रिंक एंड ड्राइव तो ट्रैफिक होनी नहीं जाम, इफ आई ड्रिंक एंड ड्राइव तो ट्रैफिक नहीं होनी जाम, चीरता हूँ निकल जाऊंगा ब्रो, रुकूंगा ही रेडी है, ओके, जहन पे जोर दे कौन मैं बोल दे, जहन पे जोर दे कौन मैं बोल दे, भाई तेरा कोयले में हीरा खुदे इनके नहीं कान, मुझे ना पता भाई इस बंदी का फ्लो देखना है, कोनी नहीं जाम, ज़ेन पे जोर दे कौन मैं बोलते, भाई तेरा कोयले में हीरा खुदे इनके नहीं कान, मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल, क्या ये लेते हैं मेरा नाम, न रहूंगा यहाँ पर कहूंगा, स्विच देखा फ्लो का, नहीं कान, मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल, क्या ये लेते हैं मेरा नाम, न रहूंगा यहाँ पर कहूंगा, किया था रैप तन्हा अंजुम के साथ, मैं साइड नहीं लेता तुम मेरी ये सादत की वजह से होना नाराज, इनकी नजर में हूँ क्या कुछ नहीं मैं, जो नहीं तो बस कलाकार, इनकी नजर में देखो मैं क्या हूँ, अगर कुछ नहीं तो कलाकार ही हूँ, आर्टिस्ट ही हूँ यार। अभी जा नहीं, बहुत ही बढ़िया आप कोरस बनाया है, ठीक है, शुरू होता है बिल्कुल प्यारा है, लारी छूटे टाइप का जो गाना था ना, प्यारा एकदम से, लेकिन बेस गिटार और ड्रम्स जब किक एंटर करते हैं, दिल खाली है तेरी जरूरत है, नजरें बुला रही अभी जा नहीं, जिसके होने से था साया कड़ी झूठ में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में, रिश्ते अमर हैं बहुत बहुत टच छूने वाली लाइनें लिखी है, बहुत ही बहुत गहरी लाइनें नहीं है लेकिन बहुत रिलेटेबल है, ढूंढ लेता था मेरे हुजूर में, रिश्ते अमर हैं रापे नहीं टूटते अभी जा नहीं, जिसके होने से था साया कड़ी धूप में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हुजूर में, रिश्ते अमर हैं रापे नहीं टूटते अभी जा नहीं, एक अगुस्टिक कॉर्ड की साइकिल और चला देते और अच्छी लगती भाई, इधर ली अंदरे केलॉग्स म्यूजली अली, ये दे, ये ला दिखाओ यार प्लीज, मजेदार यार, बहुत ही सही गाना यार, मेरे को ज्यादा मजा आया था एक्चुअली, अंजुम की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे ही हाशिम नवाज ने गाना शुरू करा, कुछ बार से बार जब उन्होंने मारी ना, मैं पीछे का सब कुछ भूल गया, मतलब इससे पहले जो गाने में जो भी इमेज बनी थी ना गाने की, हाँ ये हुआ ये हुआ, मैं सब भूल गया, तो हाशिम ने जब से ये गाना गाया, हाशिम नवाज में पता नहीं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ ढंग से, उन्होंने जब से गाया ना मेरे लिए गाना एक अलग ही गाना बन गया, कुछ लाइंस बहुत ही अच्छी थी,
हुक गाने का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिजाइन करा था कि स्टार्टिंग में हम जो ना एक साइकिल अकूस्टिक टाइप मारेंगे और उसके बाद फिर ऐसे करके एंटर करेंगे, बहुत ही सही लग रही थी। दूसरा क्या चीज़ बोलेंगे, बड़ी सी मैन यार, मैं कुछ तो सोच रहा था यार, मैं भूल गया क्या सोच रहा था। हाँ, म्यूजिक मैन, मतलब गिटार का यूज़ इतना सही करा है हाशिम नवाज़ ने थ्रू आउट दी एल्बम। मंजर कशी में आता है ना एक पार्ट जहाँ पे गिटार बजता, बहुत सही था। नहीं, गिटार सोलो नहीं बजता उसमें, कुछ तो यार आता है ना। मतलब इस एल्बम में गिटार का इन्फ्लुएंस काफ़ी दिख रहा है, इसके बहुत सारे गानों में गिटार बहुत सही सही बज रहे हैं। गाना बजाते हैं ना उसको देख के लगता है कि यार जिस बंदे को कॉर्ड्स बजाता होगा, बंदा कॉर्ड वॉर्ड बजाता होगा तभी उसको मतलब आएगा कि हाँ यार लेट्स इंक्लूड दिस इन अ सॉन्ग, या फिर इसी के बेस पे गाना बनाते हैं। कई सारे गाने बनाए हैं ना, एक गाना नहीं बनाया। तो गेसिंग गेस पे ही दुनिया चल रही है, ठीक है। सो ये था, अंजुम का पार्ट भी बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। स्टार्टिंग में आए थे थोड़े सीरियस थे काफ़ी लाइफ में, उसके बाद जब हाशिम नवाज़ आए तो भाई मेरे को तो मज़ा आ गया। सही गा रहा था, बढ़िया गा रहा था। एल्बम बहुत ही अमेजिंग जा रही है। आप पता नहीं इस एल्बम में कितने ट्रैक्स और बचे हैं। इवन दो इट्स अ सीरियस सॉन्ग, जो उसका सारे गाने ही सीरियस है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगा कि नहीं, इस गाने में कुछ ऐसा एलिमेंट था कि जो बंदा बहुत सीरियस गाना ना भी सुनना चाह रहा वो भी बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक सुनेगा, ठीक है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं कुछ तो था यार, एक था ग्रूव इस गाने में। नहीं नहीं, मतलब यार गाना अच्छा ही था यार, मुझे नहीं पता तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैंने बोला प्रॉपर हिप हॉप वाली बीट्स एंड वो सब नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाने बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक जॉनर के नहीं गाने बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे आर्ट क्रिएट करी जा रही है, तो वाली चीज़ करी। सो बहुत ही बढ़िया गाना, रिफ्रेशिंग गाना, ठीक है। तुम बताओ तुमको ये गाना कैसा लगा, कमेंट में पाओ, तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में वो देखा करो, एक दो चीज़ें लिंक्स दिए होते हैं, प्लीज़ क्लिक कर लिया करो। नहीं कुछ बेच ही नहीं रहा, लिंक होते हैं वीडियोज़ के, वो जाके देखो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो, आईडी का नाम है @fakeyouknow, ठीक है। तुम जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाऊँगा, ठीक। चलो जो भी है, मेरा इस वीडियो को एंड करते हैं। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में सकते नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊँगा। ठेल देने आने म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए अपने गानों में सब। तो भाई बहनों, इस वीडियो में इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए अपने गानों को, सत्संग संगीत बचा कर रखिए, नाश्ता म्यूजिक सुना, म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए। फेक।